मसूर दाल बनाने के लिए हम 2 कटोरी मसूर दाल लेंगे। इसको धोकर भिगा लीजिए 1 घंटे पहले, तो ये काफ़ी जल्दी बन जाती है। 1 बड़ा प्याज, 1 हरी मिर्च इस प्रकार से काटी हुई बीच में से, 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, धनिया पत्ता करीब 1/2 कप धनिया पत्ता लिया है, करी पत्ता, टमाटर करीब 1 बड़ा टमाटर, दालचीनी पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, यह आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, हींग चुटकी भर और घी। सबसे पहले हम कुकर में दाल उबलने के लिए रख देंगे। दाल में हम नमक डालकर उबलने के लिए रख देंगे। अब जब यह हाई हो जाएगा, 1 सीटी आने के बाद 2 मिनट तक रखेंगे और फिर इसे बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कुकर में अब सीटी आ गई है। अब हम इसको थोड़ा धीरे कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक अब सबसे पहले रखेंगे। कढ़ाई में हम 2 से 3 बड़े चम्मच घी लेंगे और उसमें 2 लौंग इस तरह से थोड़ा सा कूट कर डाल देंगे और बाकी 2 लौंग और इलायची का पाउडर बनाकर रख लेंगे। घी को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें तेज़पत्ता डालेंगे, हींग चुटकी भर, जीरा, इसे थोड़ा सा चला लीजिए, अब हम इसमें जो लोग प्याज डालना चाहते हैं प्याज लें, जो लोग नहीं डालना चाहते हैं या प्याज नहीं लेके इसके बाद टमाटर डालेंगे। प्याज को हम अच्छी तरह से चलाएंगे जब तक कि यह लाल ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि प्याज लाल हो गया है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च और इसी के साथ हम टमाटर डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। इसे तब तक चलाना है जब तक कि घी अलग नहीं हो जाता है। और टमाटर हमारा गल नहीं जाता है। आप टमाटर इस तरीके से काटने की जगह अगर टोमेटो प्यूरी भी लेना चाहते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश टमाटर डालना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप टोमेटो प्यूरी डालना चाहते हैं तो यही टमाटर को मिक्सी में डालकर पीस लीजिए और वो वाला प्यूरी आप यूज़ कीजिए। आप देख सकते हैं कि घी अब अलग हो गया है, मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून गया है। अब हम इसमें दाल मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कुकर में से स्टीम निकल गया है और हमारा दाल गल गया है। अब हम इसे अपने मसाला में मिक्स कर देंगे। देखिए, दाल मैंने मसाला में डाल दिया है और इसे चला लेंगे। थोड़ा एक उबाल आ जाएगा तब तक थोड़ा सा वेट करेंगे। गाढ़ा या पतला आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। दाल में अब उबाल आ रहा है। अब हम इसमें दालचीनी पाउडर, लौंग और छोटी इलायची और धनिया पत्ता ये मिक्स कर देंगे और इसे चला लेंगे। अब आपकी दाल ये रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसमें ऊपर से घी डालकर सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।